आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मैं राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी, मैं सतत पार्टी के लिए 2011 में जब से माननीय नितिन जी गडकरी साहब लोकसभा सलेमपुर लड़ने के लिए भेजे, तब से लगातार मैं क्षेत्र में ही अपने रहता हूँ, कभी कटता नहीं। हो सकता है आपसे मुलाकात नहीं होगी। लगातार मैं लोकसभा सलेमपुर के 14, लोकसभा के 19, विधानसभा के 17 और विधानसभा के 22 का जो इलेक्शन है, 21 का जो हुआ है, उस 22 के उसमें बढ़ चढ़ की भूमिका अदा किया है। और मैं हरदम सिकंदरपुर विधानसभा मांगता हूँ और लोकसभा सलेमपुर मांगता हूँ, लेकिन माननीय गडकरी साहब ने इस बार रसड़ा के लिए फोर्स करके मुझे लड़ने के लिए भेजे थे, तो मैंने रसड़ा में भी खर्चा किया। नतीजा ये हुआ कि मैं चार लोकसभा विधानसभा विधानसभा में इतना पैसा, इतना मेहनत करते हुए खर्चा किया, तो पार्टी के प्रचार प्रसार में अपनी सारी एनर्जी, ऊर्जा, पैसा, रुपया, धन, दौलत सब कुछ लगा चुके हैं। निश्चित रूप से पार्टी मेरे तरफ अब 24 में विचार करना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। अभी दावेदारी का वक्त नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं लोकसभा सलेमपुर फिर मांगूंगा, क्योंकि मैंने लगातार पिछले 2 इलेक्शन में हर चट्टी चौराहे और गांव-गांव तक बैनर पोस्टर लगाया और हर गांव, शहर, गली, चौराहे, दुकानदारों से मिला। हमारे को पूरा 5 विधानसभाओं में जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है और बहुत प्यार और बहुत स्नेह सारी जातियों का मिलता है। सारी जातियां चाहती भी हैं कि राजेश कुमार सिंह कुशवाहा को टिकट मिले और हर बार मैं नंबर 1 का दावेदार रहा। निश्चित रूप से इन सारी बातों को और जो हमारे सर्वे में नंबर 1 आते हैं, हम जो सारे तरफ से सर्वे होते हैं हमारे बारे में, तो जनता का अथाह प्रेम और प्यार, और अभी इस बार की जनता का शायद डिमांड भी होगा कि बलिया जिले में 3 विधानसभा सीट है, तो निश्चित रूप से कुशवाहा को लड़ाना है, तो राजेश कुमार सिंह कुशवाहा प्रबल दावेदारी मेरी रहेगी। पार्टी विचार करना चाहिए और हमने सब कुछ अपना निछावर कर दिया है, धन जन, अपना परिवार छोड़ करके, और रुपया पैसा, प्लाट, जगह, जमीन, जायदाद सब कुछ हमने पार्टी के लिए बेचा है और मेहनत किया है और पार्टी के लिए अच्छा संदेश जनता में दिया है। देयर इज नो डाउट इज द क्वेश्चन राइज रिलेटेड विद ईच एंड एवरी पर्सन लोकसभा सलेमपुर। निश्चित रूप से अगर हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट सेक्टर को अगर पार्लियामेंट से लेकर के मुझे किसी भी सेक्टर में उठाया जाता है, तो मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसके पास एक वर्ल्ड लेवल का नॉलेज होता है। और हमारी पार्टी भी वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी है, जो विश्व के सबसे प्रख्यात हमारे प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी योगी जी, उनके आशीर्वाद से मुझे हर सेक्टर में नॉलेज है, विजन है और मादा है काम करने की, और जनता के अथाह प्रेम और दुलार से और पार्टी के अथाह दुलार प्यार से निश्चित रूप से सलेमपुर के सभी सेक्टर का विकास करने में मैं सक्षम करके दिखाऊंगा और जनता के सारे सपनों को पूरा करने में मैं अपनी सब कुछ एड़ी चोटी और दान विचार सब कुछ विजन सारा कुछ झोंक देने की कोशिश करूंगा। चोटी और दान विचार सब कुछ विजन सारा कुछ झोंक देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीजें मैं फोकट में नहीं पाया जैसे अन्य लोग पा जाते हैं, मैं मेहनत करके सब अगर होता है तो प्राप्त होगा। निश्चित रूप से सभी को शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी कंपटीशन आए तो सबको उस कंपटीशन में उस क्वेश्चन का सवाल सबके लिए एक समान हो, कभी भी ऊंच नीच और जात पात की बात न आए। अगर शिक्षा एक समान सबको लागू होती है और सभी हमारे भाई बहन जो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट जितने भी हैं, सारे लोग अगर इसे प्रेम से अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से वसुदेव कुटुम्बकम और भारत विश्व का गुरु बनने में थोड़ा भी देर नहीं होगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।